प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, अब हम वेव की वेव फंक्शन वेव की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मैंने समझाई थी, एक ऐसी वेव जो आगे बढ़ती जाती है जिसका बढ़ते हुए एनर्जी लॉस नहीं होता, एम्पलीट्यूड उसका सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहती है, वेलोसिटी उसकी सेम रहती है, वेवलेंथ उसकी सेम रहती है, कुछ भी चेंज नहीं होता, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक वेव। ये सिंपल हार्मोनिक वेव क्या होती है, देखो जहां हार्मोनिक आ गया समझो साइन कॉस तो बीच में आ ही गए, हार्मोनिक का मतलब ही साइन कॉस है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक के साथ फंक्शन इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस है। मैं आपसे एक एग्जांपल देके पूछता हूं, ये सिंपल हार्मोनिक वेव क्या होती है। देखो सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए वेव जब जनरेट होती है, वेव कैसी जनरेट होगी ये किस पे डिपेंड करता है, जो वेव को पैदा कर रहा है जनरेट कर रहा है। जैसे आप मेरे को एक रस्सी दे दें, आप कहें सर वेव जनरेट करें, क्यों जरूरी है कि मैं अपनी रस्सी को ऐसे ही मूव करूंगा, मैं नहीं करता भाई, मैं ऐसे मूव करूंगा। अब देखो मेरी वेव ऐसे बनने की बजाय ऐसे हो जाएगी, अच्छा नहीं करता, ये लो गोल गोल घुमाता हूं तो देखो सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगी, मेरी मर्जी है ना। अच्छा मैं एक्सपोनेंशियल करता हूं, मैथ्स में एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स होते हैं, मैं ऐसे करके छोड़ देता हूं, कब ऐसा दिखेगा आपको या कब ऐसा दिख जाएगा, मेरी मर्जी ना, मैं सोर्स हूं, मैं कैसी शेप देना चाहता हूं मेरी मर्जी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे सर वेव आप वेव बनाएं और आप मुझे बताएं कि वेव कैसी बनेगी, आप आपको कि मेरे को कैसे पता कैसी बनेगी वेव, तो मैं क्या जनरेट करूंगा, आप ये बिल्कुल सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये तो मतलब एक क्वेश्चन का आंसर सारी जिंदगी मिल ही नहीं सकता कि मैं क्या करने वाला हूं। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं वेव जनरेट करूंगा और मैं ऐसी वेव जनरेट करूंगा जो सिंपल हार्मोनिक वेव होगी, हाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे। जैसे एक वेव है, ये एक वेव है, ये रस्सी है, देखो मैं वेव कैसे जनरेट करूंगा, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, एक ना स्प्रिंग लगा दूंगा, इमेजिन करना नहीं है, वैसी अपना एग्जांपल बना रहा हूं मैं, एक स्प्रिंग लगा दूंगा, नीचे एक मास्क लगा दूंगा, मास्क के साथ रस्सी जोड़ दूंगा, और इस मास्क को नीचे ऊपर, पहले ऊपर लेके जाऊंगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो नीचे आएगा, और फिर वो वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर। अब सबने SHM पढ़ा हुआ है, स्प्रिंग मास सिस्टम इज ऑलवेज इन SHM, ये तो पीरियोडिकली मूव करेगा और SHM में मूव करेगा, ये फ्री में जनरेट हो जाएगी। जब ये मास ऊपर जाएगा, सोचो मेरा हाथ है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, तो अपने आप ही वेव पल्स जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो सोर्स मैंने लिया वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में SHM के अंदर मूव कर रहा है, तो मेरा जो सोर्स है वो SHM में, और जो वेव पैदा होगी वो भी SHM में होगी। वो कैसे होगी सोचो, ये ऊपर गया, नीचे नीचे ऊपर, एक वेव पल्स तैयार हो गया। ये ग्राफ पता है किसका है, साइन थीटा आ गया ना अपने आप, साइन, साइन का मतलब हार्मोनिक फंक्शन आ गए, साइन थीटा का ग्राफ है। कोई कहता है जी मैं तो वेव ऐसे जनरेट करूंगा ही नहीं, मैंने कहा कैसे करेगा, वो कहता मैं स्टार्ट यहां से नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, रस्सी यहां पे लेके जाऊंगा, रस्सी को यहां पे लेके जाऊंगा और फिर ऊपर नीचे करूंगा। हाँ तो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। किसका ग्राफ है, कॉस का, साइन कॉस। इसका मतलब जो आप वेव जनरेट कर रहे हैं वो साइन कॉस फॉलो करे। अगर मैं ये बोलूं हार्मोनिक फंक्शन है तो ऐसी वेव जो कर्व या तो साइन की फॉर्म में शो करेगी या कॉस की फॉर्म में शो करेगी, वो हार्मोनिक वेव है, सिंपल हार्मोनिक वेव है। और सिंपल हार्मोनिक वेव में जो पहला पार्टिकल है वो किस में मूव करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करेगा, और जो मोशन पहले पार्टिकल की होती है बाकी पार्टिकल सेम उसको कॉपी करते हैं, तो बाकी पार्टिकल भी SHM में ही मूव करते हैं। तो ऐसी वेव जो सिंपल, जिसका सोर्स सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है ऊपर नीचे, और जो साइन कॉस को फॉलो कर रहा है, एक ऐसी वेव जनरेट कर रहा है जो उल्टी सीधी सर्कुलर वेव नहीं है, जो कैसी है, या तो साइन की फॉर्म में है या कॉस की फॉर्म में है, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव। हम जो स्टडी करेंगे वो सिंपल हार्मोनिक वेव है। तो इन शॉर्ट हमारी जो वेव की इक्वेशन या फंक्शन आएगा उसमें साइन या कॉस आएगा। तो पीरियोडिक मोशंस है हमारी, साइन या कॉस की वेव हम जनरेट करेंगे। ठीक, अब देखो तो इसमें जब मैं बोलता हूं साइन या कॉस में जनरेट करेंगे, तो इमेजिन करो एक वेव जनरेट हो गई,
वेव पल्स बनती जा रही है, क्योंकि मैं ये वाला जो सोर्स है ऊपर नीचे मूव करता जा रहा हूँ, तो वेव पल्स तैयार हो गई। तो मैंने जो पहला पार्टिकल है, जो मेरा पहला पार्टिकल है, उसको मैंने ए डिस्टेंस तक ऊपर लेके गया। तो पहले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है? ए। तो वेव का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? ए। हर पार्टिकल जिसमें से वेव क्रॉस करेगी उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? ए। तो मैक्सिमम ए डिस्टेंस के ऊपर जा पाएगा, उससे ऊपर जा नहीं पाएगा, और क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं है तो हर पार्टिकल ए ए तक जाएगा। प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकल पहला पार्टिकल सबसे ऊपर जाता है, अगला कम 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 ऐसे होता है, पर इसके अंदर ए एम्पलीट्यूड है। अब किसी भी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस दूर? एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है, मैं देखना चाहता हूं ये वेव, ये ना वीडियो होती तो पूरी चल रही होती वेव ऊपर नीचे, ये तो फोटो खींच के लगाती है, बस एक स्नैपशॉट है ये किसी भी इंस्टेंट पे, अगले इंस्टेंट पे फोटो चेंज हो जाएगी, ये पार्टिकल ऊपर है नीचे दिखेगा आपको। तो टी टाइम पे आपको यहां दिखा एक्स डिस्टेंस है पार्टिकल का, तो y इज अ फंक्शन ऑफ क्या बोलेंगे? x एंड t, ये मैंने आपको पहले बता दिया, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। अगर मैं इसका फॉर्मूला बता दूं आपको y का फॉर्मूला मतलब ये जो पहला पार्टिकल है ऊपर नीचे नीचे ऊपर गया कितने समय में? कैपिटल t। तो बोलते हैं कैपिटल t इज टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, तो वेव का टाइम पीरियड t है। या ऐसा भी बोल सकते हैं ये एक वेव पल्स जनरेट हुई, ये बनने में कितना समय लगा? कैपिटल टी एक ही बात है, क्योंकि जितने समय में ये इधर जाएगा उतने समय में वेव पल्स जनरेट हो जाएगी, बात तो एक ही है। तो ये वेव पल्स बनने में कैपिटल टी टाइम लगा, क्योंकि मेरा हाथ ऊपर नीचे नीचे ऊपर जाने में टी टाइम लगा रहा है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो ये कैपिटल टी की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूं जो कि आपको वाई की वैल्यू बता दे, ऐसा फॉर्मूला वैल्यू पुट करो वाई पता लग जाएगा किसी भी समय पे किसी भी पार्टिकल के लिए, उसको बोलते हैं वेव की इक्वेशन, वेव की इक्वेशन या वेव फंक्शन। तो फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, ये वो फॉर्मूला है, वाई इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पक्का आएगा पेपर में, नीट मेन में भरे पड़ेगा क्वेश्चन इस इक्वेशन पे, एनसीईआरटी के अंदर भी। तो ये वाई का फॉर्मूला है, ए फॉर एम्पलीट्यूड इन टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइड पे लिखना है ओमेगा तो पता ही है क्या है, एक्स और टी तो पता ही है क्या पॉइंट्स हैं, के क्या चीज है, के लिखें ओमेगा बाय वी, साथ में लिखें वेयर के इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी, वेयर साथ में ये भी लिखें वी, वी यहां पर इज वेलोसिटी ऑफ वेव। ये इंपॉर्टेंट है, आप कहेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पता ही है वेलोसिटी ऑफ वेव है ना। यहां पर दो वेलोसिटीज अपना रोल प्ले करेंगी, पहली कौन सी? वेव कितनी स्पीड से जा रही है, और दूसरी पार्टिकल कितनी स्पीड से ऊपर नीचे जा रहे हैं, उसकी तो अभी बात ही नहीं की हमने। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है वो बात की बात है, ये वेव की वेलोसिटी है। तो यहाँ पर दो चीजों की वेलोसिटीज हैं, एक वेव कितनी वेलोसिटी से जा रही है और एक पार्टिकल कितनी ऊपर नीचे वेलोसिटी से जा रहा है, क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये वेव की वेलोसिटी है। तो के का मतलब है ओमेगा बाय वी, और ओमेगा क्या होता है? टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और आपको वैसे बता दूं वी क्या होता है? न्यू इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहां से फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वी का मतलब पता है क्या है? वन बाय लैम्डा। तो इसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे? वन बाय लैम्डा। तो के के दो मतलब हैं, या तो ओमेगा बाय वी या टू पाई बाय लैम्डा, एक ही बात है, इसको वेव नंबर बोलते हैं। तो साइड पे लिख लें वेव की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के का फॉर्मूला ओमेगा बाय वी या फिर टू पाई बाय लैम्डा। ये अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है, ये तो है ही कि ये इक्वेशन तब यूज करनी है जब आपकी वेव लिख लें लेफ्ट से राइट जा रही है, लेफ्ट से राइट का मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आपकी कोई वेव उल्टी डायरेक्शन में आए तो लिख लें ओमेगा टी प्लस के एक्स, यानी कि राइट से लेफ्ट है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये लिख लें प्लीज, दोनों इक्वेशन लिख लें, कब कौन सी यूज करनी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तब है जब लेफ्ट से राइट है, एक्स उल्टा एक्स मतलब राइट से लेफ्ट आएंगे तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो ये टर्म प्लस हो जाएगी। तो इसे नोट करें प्लीज, दोनों दोनों, ये लेफ्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ्ट है, पेपर में गिवन होगा लेफ्ट टू राइट जा रही है वेव या राइट टू लेफ्ट आ रही है। लेफ्ट टू राइट है पहला फॉर्मूला, राइट टू लेफ्ट है दूसरा फॉर्मूला।
तो दो दो इक्वेशंस आ गई ये वाली। नेक्स्ट है, कई बुक्स ऐसे नहीं करती, वैसे मैं नॉर्मली ऐसे ही करता हूँ, 99.99% केसेस में ऐसा ही करूंगा, पर कई बुक्स क्या करती हैं, इस इक्वेशन को लिखती हैं। ये आपने नहीं याद करना स्कूल लेवल या किसी कंपटीशन के लिए, सिर्फ समझना है 2 मिनट के लिए। इस इक्वेशन को मॉडिफाई करती हैं, कैसे, के को लिखती हैं ओमेगा बाई वी, फिर यहां से ओमेगा को कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेती हैं, ओमेगा 2π/T लिख लेती हैं, 1/T को इससे मल्टीप्लाई कर लेती हैं, फिर उसके बाद वी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, न्यू इंटू लैमडा, वी इज इक्वल टू न्यू क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, तो वी इंटू टी का मतलब क्या है यहां पर, लैमडा, तो इसकी जगह लैमडा पुट कर लेती हैं, फिर यहां से 1/लैमडा कॉमन निकाल लेती हैं, इसके पास तो लैमडा है ही नहीं, तो लैमडा से मल्टीप्लाई और ये 1/लैमडा तो बाहर आ गया, तो यहां से लैमडा बाई वी को वी लिखती हैं। आप कुछ नहीं करेंगे ऐसा, आप वेव की सिंपल ये इक्वेशन और नोट कर लें, अगर आपकी वेव लेफ्ट से राइट जा रही है तो आप ये इक्वेशन नोट कर लें, वी वाई इज इक्वल टू ए साइन 2π/लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स। एक ही बात है, जो पहले इक्वेशन लिखी और जो ये इक्वेशन लिखी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं पहली वाली यूज करता हूं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है जहां पर मुझे ये यूज करनी पड़ेगी, मैं पहले बता दूं, इसलिए मैंने करवाई है, मैं करवाता ही ना, एक जगह यूज होनी है ये, ठीक। ये कब है, लेफ्ट टू राइट, और अगर राइट टू लेफ्ट है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस की जगह प्लस कर देना, लेफ्ट टू राइट में माइनस है, राइट टू लेफ्ट में पॉजिटिव है, तो ये नोट कर लें, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये, ठीक है। अब कोई कहता है देखो हमने वेव को जनरेट किया, मैंने कहा हाँ जी वेव को जनरेट किया, वो कहता है जो आपने वेव को जनरेट किया, जो पहला पार्टिकल था वो आपने हमेशा एज्यूम किया कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन से, नॉर्मल पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे मूवमेंट हो रही है, राइट, ऐसे ही है, तो इसलिए आपने देखा कि इसकी जो इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू ए साइन एंगल मैंने लिख दिया था इसमें, ये इक्वेशन है। लेकिन कोई कहता है जी मैं तो यहां से स्टार्ट करता ही नहीं, मैं तो स्टार्ट ही यहां से करता हूं, बात ही खत्म, तो मेरी वेव पल तो ऐसी बनेगी, अगर ऐसी बनेगी तो फिर वेव की इक्वेशन ये नहीं बनेगी, साइन की जगह क्या बनेगा, कॉस बनेगा, साइन की जगह कॉस बनेगा, क्योंकि वो एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम से ग्राफ कॉस को फॉलो करेगा तो ग्राफ कॉस का बनेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे को कैसे पता लगा कि क्या यूज करना है, आपसे पूछ कौन रहा है, जो क्वेश्चन पूछेगा वो बताएगा कि वेव कैसी पल्स है, तो आपसे तो कोई पूछेगा ही नहीं, तो अगर वो आपसे पूछेगा तो आपको बताएगा कि मीन से स्टार्ट किया कि एक्सट्रीम से किया, 99.99% क्वेश्चन में वेव की इक्वेशन गिवन होती है, आप क्योंकि वेव की इक्वेशन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, तुम्हें क्या पता वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग कहां से करेगा, तो वेव जैसे एसएचएम में एसएचएम की इक्वेशन गिवन होती है, हम कंपैरिजन से एम्पलीट्यूड निकालते हैं, वेव की इक्वेशन भी गिवन होती है, तो वेव की इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेव की इक्वेशन आप प्रिडिक्ट कर नहीं सकते कि इसने कैसे बनाई, तो इसलिए वेव की इक्वेशन गिवन होगी, साइन कॉस गिवन होगे। मैं तो एक आइडिया के लिए बता रहा हूं कि अगर किसी न्यूमेरिकल में कॉस फंक्शन आ जाए तो कोई ये ना कहे सर मुझे लग रहा है पेपर गलत बन गया, साइन की जगह उसने कॉस लगा दिया, उसकी मर्जी, वो कॉस लगाना चाहता है कॉस लगाए, साइन लगाना चाहता है साइन लगाए, सही है यहां तक। तो अगर कोई मीन से स्टार्ट करता है फिर तो ये इक्वेशन है, पर अगर वो मीन से ना स्टार्ट करते हुए अपनी एसएचएम की मोशन कहीं आगे पीछे से स्टार्ट करता है, फिर आप देखेंगे यहां पर एक इनिशियल फेज लगा होगा, जैसे एसएचएम में होता था, मीन से ना स्टार्ट होती है जब इक्वेशन, तो उसमें इनिशियल फेसेस लगे होते हैं, तो जिन इक्वेशन में यहां एक्स्ट्रा एंगल गिवन होगा ये शो करता है कि आपकी वेव मोशन नॉर्मल मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुई, कहीं आगे पीछे से स्टार्ट हुई, उसके बाद हमारी हेडेक नहीं है, बस वो अपने आप ही एंगल इनिशियल फेस दे देगा, हमने नोट कर लेना है, पर हमने ये नहीं देखना कि ऐसा क्यों हुआ था, हमें जरूरत नहीं है उसको करने की, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेस बोलते हैं, ठीक है यहां तक। तो जैसे मान लो आपको न्यूमेरिकल कैसा आता है बता देता हूं, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा आपको कहेगा कि वाई की वैल्यू मैं दे रहा हूं आपको 5 sin(3x+5t+π/4, वो कहेगा जी एम्पलीट्यूड निकाल दो, ओमेगा निकाल दो, फ्रीक्वेंसी निकाल दो, लैम्डा निकाल दो, वेव की वेलोसिटी सब कुछ निकाल दो वेव का। तो आप जो आपको इक्वेशन याद है आप लिख लें, क्या इक्वेशन याद है, साइन ऑफ क्या kx + ओमेगा t + इनिशियल फेज।
आप कहेंगे सर ये तो माइनस के प्लस लगा के बैठ गया, उसकी मर्जी भाई, वो उधर मूव करे उधर मूव करे, आप नहीं जाके बोल सकते तूने माइनस या प्लस क्यों लगाया, उसकी मर्जी, वो जैसे मूव करवाना चाहते वैसे मूव करवाओ। आप अपनी इक्वेशन को यहां पर चेंज कर लेंगे, जैसे ऊपर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। आप ये नहीं कहेंगे मैं घर से याद करके माइनस आया हूं तो यहां पर के माइनस कर दूंगा ना, आप वैसे यूज करें, कंपेयर करें, कंपेयर करके के की वैल्यू क्या आ गई 3, कंपेयर करें ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 5, कंपेयर करें इनिशियल फेज क्या आ गया पाई बाय 4। तो यहां से वेलोसिटी क्या होगी, देखो जो के का फॉर्मूला होता है, जो के का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओमेगा अपॉन वेलोसिटी, ओमेगा आ गया के आ गया, तो वेव की क्या आ गई वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी आई पार्टिकल की, वेव की, वेव की लिखवाया था ये फॉर्मूला, वेव वेलोसिटी देता है ठीक। तो ये वेव वेलोसिटी आ गई, नेक्स्ट है वेव की वेलोसिटी आ गई, एम्पलीट्यूड आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी, वहां से क्या आ गई फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, यहां से वेलोसिटी आ गई, तो v इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा से क्या जाएगा लैम्डा आ गया, वेलोसिटी भी आ गई। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं वेव की इक्वेशन पे, बस कुछ नहीं करना, इक्वेशन लिखो कंपेयर करो आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक ठीक। अब इसी के अंदर सेम क्वेश्चन है, वो कहेगा जी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो क्या होगी, मैंने कहा फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैंने वेव नहीं कहा मैंने पार्टिकल कहा। अब मुझे बात बताओ यार पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम क्या फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वेव की इक्वेशन है, ये वेव की इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन का मतलब होता है वेव की पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, फिर उसमें जो कॉस आएगा उसको वन पुट कर देंगे मैक्सिमम के लिए, तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, बिल्कुल सही है, सही बोल रहा है ये, आइडिया समझ में आ रहा है, क्योंकि वाई किसका है पार्टिकल का, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी किसकी आएगी पार्टिकल की, आंसर क्या होगा हाँ बट टाइम खत्म, इतना टाइम था ए ओमेगा, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक वेव है, एस एच एम के फॉर्मूले तो लगेंगे ही, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट ए ओमेगा, कुछ करना ही नहीं है क्योंकि एस एच एम की इक्वेशन तो है ही, और है क्या एस एच एम की इक्वेशन को तो डिफरेंशिएट करके वही रिजल्ट आएंगे जो एस एच एम फॉलो कर रहा था, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा ही रहेगी। मेथड आपने सही बताया लेकिन आप भूल गए कि एंड रिजल्ट तो वही बोल रहे हैं जो एस एच एम का है, तो ए ओमेगा है। पार्टिकल की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है ए ओमेगा स्क्वायर, एसएचएम के रिजल्ट बोलो ना ए ओमेगा स्क्वायर खत्म। अब कंफ्यूजन ये होती है कि वेव की वेलोसिटी लूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी लूं, ध्यान से वाई किसका है पार्टिकल का, वाई मीन डिस्प्लेसमेंट किसकी है पार्टिकल की, इसको डिफरेंशिएट करके अगर करूं वेलोसिटी आएगी वो किसकी आएगी पार्टिकल की, लेकिन ये फॉर्मूला क्या देता है आपको वेव वेलोसिटी, ये पार्टिकल की नहीं है वेव वेलोसिटी है। तो क्लियर है यहां तक ठीक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, घर जाके आ जाएगा, अभी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आ जाते हैं, जैसे मेरे को भी आया था तो मैंने भी जब पढ़ते हैं ना तो आ जाता है, अभी नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कैसे बने, मतलब कैसे आपने ये वाई का फंक्शन बना कैसे दिया, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, तो जो मैंने कराया ये पूछेगा, वेव की इक्वेशन याद करनी है, पार्टिकल की वेलोसिटी पूछेगा, सब पूछेगा, ये इक्वेशन कैसे बनी ये शायद आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्वेश्चन में क्या देगा आपको इक्वेशन बना के। अब हर का प्रूफ तो कोई बताएगा ना कि ये इक्वेशन मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने ऐसे किया था, हर का वेव की इक्वेशन का फॉर्मूला तो डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं कि मैं इसको कैसे देखता हूं और वेव की इक्वेशन मैंने कैसे बनाई। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं सुबह उठ के याद करूंगा, मैं टॉप करूंगा स्कूल में कि मैं वेव की इक्वेशन सीख के गया था, अब पक्का फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो शायद बहुत कम लोगों को पता भी होगा कि वेव की इक्वेशन बनती भी कैसे है ठीक। मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है ये, नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं, काफ़ी लोग यहीं से शुरू करते हैं पढ़ाना कि ये होता है ऐसे होता है ठीक होगा, प्रैक्टिकल भी ट्रू है, यहां से शुरू करके सीट भी मिल जाती है लोगों को, स्कूल में टॉप भी कर जाता है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिर भी घर जाके हो सकता है आप सोचें कि हुआ क्या। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है वेव फंक्शन बना कैसे इसमें।
ठीक,